सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से गणित के सवालों की, और आज हम इसमें लेंगे 2018 के पेपर में गणित के जो सवाल आए थे NMMS परीक्षा 2018 में, उनको हल करके मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें। गणित के सवाल आपको बार बार निकालने होंगे, पेन कॉपी लेके आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके आएंगे। यदि आपने वीडियो देख लिया और निकालने की कोशिश नहीं की तो भी शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो साथ में पेन और कॉपी आपको लेके बैठना है। NMMS बहुत ही अच्छी स्कीम है, चयनित विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 साल तक मिलते हैं। पहले पेपर में केवल मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो पेपर है उसमें गणित आती है, सामाजिक आती है, विज्ञान आती है, इनके कुल मिला के 90 प्रश्न आते हैं। गणित के 20 प्रश्न आते हैं, सामाजिक और विज्ञान के 35-35 प्रश्न आते हैं। तो गणित के 20 सवाल आज की वीडियो में हम इसमें लेंगे, किस प्रकार से इनको हल करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, NMMS बहुत अच्छी स्कीम है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप इसका पूरा नाम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, 2008 से प्रारंभ की गई थी। तो पहले इसमें हिंदी और इंग्लिश भी आती थी, लेकिन अब इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगी। आपका जो दूसरा पेपर है उसमें गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न ही आएंगे, और पहले पेपर में मेंटल एबिलिटी के प्रश्न ही आएंगे। तो आपको जो आपकी 8वीं किताब है, 7वीं की गणित है, यदि आप वो आपने यदि ढंग से नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। अपन ने यहाँ पे जो सारे पेपर थे NMMS के पुराने, उनमें से सभी जो गणित के प्रश्न थे उनको मैंने वीडियो के माध्यम से हल करके आपको बताया है, तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस NMMS की परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो यदि आपने इनको वीडियो को ध्यान से देखा तो उन सवालों को आप ज़रूर हल कर पाओगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए, माइनस का 1/2 है, फिर भाग में ये संख्या लिखी है, और ये भी यहाँ पे भाग का निशान लग रहा है। तो पहले तो इस बड़े ब्रैकेट में जो संख्या है उनको हम हल कर लेते हैं, माइनस का 1/3, और यहाँ पे भाग को गुणा में बदल लेंगे और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, 7 नीचे था हर में तो 7 को ऊपर ले लेंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -7/6, ये संख्या आ जाएगी। अब बाहर भी भाग का निशान है, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 लिख देता हूँ मैं, पहले भाग का निशान है, यानी इस जो भिन्न यहाँ पे प्राप्त हुई है इसको वापस बदलना पड़ेगा, गुणा का निशान लगा देंगे, फिर माइनस करेंगे और 6/7 इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ये इसका भाग इसमें 3 बार गया, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3/7 इसका आंसर आएगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, 3 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, 2 से 1/5 में भाग देना 3/5 का, तो ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले सरल भिन्न में हम बदल लेंगे, तो 2 × 5 किए तो कितना आया, 10 + 1 तो 11/5 ये हो गए, इसमें भाग देंगे तो भाग को गुणा में बदल देते हैं और इस चीज़ को हम उल्टा कर लेंगे, जो यहाँ पे 3/5 है इसको कर देंगे 5/3, 5 से 5 कट गया तो 11/3 इसका आंसर आया, जो है चौथा विकल्प सही। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है, और यदि आप NMMS से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमने NMMS की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से भी आप जरूर जुड़िए ताकि आप अपडेट रहें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्या 27,000 घन संख्या है, हाँ है, किसका है, 30 का है, 1,000 घन संख्या है, हाँ है, 10 का है, 125 भी घन संख्या 5 की है, 901 घन संख्या नहीं है, 900 क्या है, एक वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग है 900, तो 900 के अलावा बाकी सभी संख्याएं क्या है, घन संख्या है, तो सही आंसर इसका अपन लिखेंगे 4। NMMS की जो परीक्षा होती है वो OMR शीट पे ली जाती है, तो विद्यार्थी OMR शीट को भरने में गलती ना करें, और जब NMMS की एग्ज़ाम होगी तो उस समय मैं आपको NMMS की जो OMR शीट है वो किस प्रकार से भरते हैं वो भी आपको बता दूंगा, ताकि गलती होने की कोई संभावना ना रहे। अजय ने एक सिलाई मशीन खरीदी थी 2500 रुपये में,
और 3000 रुपये में बेच दी, तो पहले अपन लिखेंगे 3000, घटा देंगे 2500, तो अजय का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3000 में से 2500 गए तो कितने बचे? 500। कितने में ली थी मशीन? 2500 में, गुणा कर देंगे इसको 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 का भाग 500 में देंगे तो 20 बार जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा विद्यार्थियों इसका? 20%। 20% लाभ यहाँ पर अजय को सिलाई मशीन के लिए हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें केवल एक बार आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, बाकी 4 साल तक इसका लाभ आपको मिलेगा। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है केवल वो ही इसमें भाग ले सकते हैं, प्राइवेट वाले विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले सकते। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका मौका आपको केवल एक ही बार मिलेगा, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। केवल 8 क्लास वाले विद्यार्थी ही इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लाभ इसका 4 साल मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी सम पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है, अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तो अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे देखिए, n माइनस 2 करेंगे, n क्या है? भुजाओं की संख्या है, इंटू करेंगे 180 से, भाग देंगे इसमें n का वापस, तो n की मान क्या है? पंचभुज है तो n का मान 5 है, 5 में से 2 घटाओ तो कितने बचे? 3, तो 3 को गुणा करो 180 से और भाग दो इसमें, n का मान 5 है तो 5 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 36, और 36 को अपने को गुणा करना है 3 से तो ये आ जाएगा 108। आप गुणा करके देखिए, उस तरह आपकी गणित थोड़ी ठीक हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर गुणा करके देखने में ही फायदा है। तो यहाँ पे 108 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और मज़ेदार सवाल आपके लिए, दिए गए त्रिभुज में एक कोण है यहाँ पे 80 डिग्री का है, ए बी और ए सी यानी ये भुजाएं दोनों बराबर है, कोण बी और सी की माप ज्ञात कीजिए। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी यहाँ पे बराबर होंगे, तो 180 में से 80 कटाएंगे तो 100 बचते हैं, और 100 यानी ये दोनों कोण बी और सी एक कितने डिग्री के होंगे? दोनों कोण होंगे 100 डिग्री के, तो 100 में 2 का भाग दे दीजिए, प्रत्येक कोण कितने का होगा? 50 डिग्री का, तो कोण बी भी 50 डिग्री का होगा, कोण सी भी क्या होगा? 50 डिग्री का, तो ऑप्शन कौन सा है? ये 4 नंबर वाला, ये इसमें सही ऑप्शन है। यदि 15:x एक्स और यहाँ पर समानुपात है 18:12, तो दोनों बाहर वाले को गुणा कर लीजिए और अंदर वाले को गुणा कीजिए। बाहर वाले क्या है? 12 × 15 या 15 × 12 जो भी लिख दो, लिखना चाहो आप, और इधर क्या है? 18x है, तो 18 को यहाँ से हटा के मैं इधर ले जाऊँगा नीचे, यहाँ पे गुणा का संबंध है, इधर भाग में चला जाएगा, 6 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 6 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 3 का भाग इसमें 1 बार और इसमें 5 बार, तो 5 × 10 5 गुणा आपको करना है 2 से तो यह जाएगा 10। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों 10। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पे इस दूरी को वैज्ञानिक संकेतन में मान लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में हम एक अंक को लिखते हैं, फिर उसके बाद दशमलव लगाते हैं और फिर लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव पहले नहीं थी, हमने दशमलव को यहाँ लगाई, यहाँ पर लास्ट में 1 और 5 के बीच में, तो कितने अंक बाद लगाई अपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की घात लगा देंगे यहाँ पे 8, इतना किलोमीटर दूरी होगी। इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन हम लिखते हैं, जिसमें हमारे पास में संख्या थी यहाँ पे 108 थी, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, तो वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव कहीं भी हो उसको हमें यहाँ ले जाना है यहाँ पे, और यदि दशमलव जा रहा है बाईं तरफ तो घात आएगी प्लस की, तो कितने स्थान गया दशमलव? 2 स्थान, तो 1.08 लिख के हम गुणा कर देंगे, 10 की घात कितनी लगाऊँ? दशमलव को हमने यहाँ थी पहले नहीं थी, यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गई 2 स्थान बाद, तो 10 की घात लगा देंगे 2, और यदि दशमलव को इस तरफ जाना होता है तो फिर क्या करेंगे हम? फिर घात लगाएंगे माइनस की, घात को घटा देंगे, अभी घात बढ़ाते हैं, उसमें घात को हम घटाते हैं।
तो एक और एग्जांपल इसका मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है ये 0.00, ये संख्या है, इसको हमें बदलना है वैज्ञानिक संकेतन में। दशमलव यहाँ है, दशमलव को यहाँ पे ले जाना है, यानी पहले नॉन शून्य जो अंक होता है अशून्य अंक, उसके बाद हमें दशमलव लगाना है। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये अशून्य अंक है, इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगनी चाहिए। तो 1.2 तो संख्या रहेगी, गुणा 10 की घात कितनी लगाऊँ। अब यहाँ पे दशमलव गया है राइट साइड में, तो घात होगी माइनस की, कितनी लगाओ माइनस की, 1, 2 और 3, 3 अंक बाद लगाइए तो माइनस के 3। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पी और क्यू और आर तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये कोण 65 का है, तो एक्स का मान क्या होगा, क्योंकि दोनों ये एकांतर कोण हैं, दोनों बराबर होंगे, तो एक्स का मान यहाँ पे होगा 65 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और आगे आपको NMMS सवालों के लिए क्विज भी मिलेगी। दिए गए चित्र में एक्स का मान होगा, ये बाह्य कोण है, और इन दोनों कोणों जो यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों कोणों का योग भी 65 के बराबर ही होगा। तो 65 में से 35 घटा दो, कितने बचेंगे, 30। यहाँ पे 65 बाह्य कोण है और ये दोनों सम्मुख कोण है, इन दोनों का योग 65 के बराबर होता है। एक सवाल पहले भी ऐसा आया था, तो 65 में से 35 घटा दो, 65 माइनस 35 कितना बचेगा, 30। तो इसका आंसर होगा 30, 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है। 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में कितनी दूरी तय होगी। तो पहले तो हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे 2πr से, वो 1 चक्कर के बराबर होगी। 2 चक्कर के लिए इसको फिर हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 × 22/7, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 35, तो 7 को भाग 35 में गया 5 बार, तो 22 × 5 किया तो 110, 110 × 2 करेंगे तो 220 आएगा, और 220 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 चक्कर में 220 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 2 चक्कर में कितनी करेगा वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो 220 को 2 से गुणा करेंगे तो 440 ये आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, 4 नंबर का, 440 मीटर की दूरी वो 2 चक्कर में तय कर लेगा। 1 चक्कर में पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, 2 चक्कर में 2 परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्स वाई जेड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x-8y में से क्या घटाना चाहिए, क्या घटाएं कि इसका मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाए। तो माना कि इसमें से हम घटा देते हैं पी, जैसे 7x-8y- घटा दें इसमें पी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा प्यारे विद्यार्थियों x-y x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। अब इसको पूरे को यहाँ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो पी बराबर क्या होगा, 7x-8y-x+y+z बराबर क्या हुआ, पी। 7x में से x गया तो प्लस के क्या बचे, 6x बचे, 8y माइनस के हैं, और यहाँ पे बार माइनस है तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 8y और माइनस का y कितने हो गए, माइनस के 9y, और जेड तो है नहीं, जेड एक ही है माइनस का, तो ये संख्या घटानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा आएगा इसका, 2 नंबर का, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यदि ए बराबर 2 है, बी बराबर -3 है, तो ये जो समीकरण यहाँ पे दे रखी है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये मान आ जाएगा ए का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस फिर ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, तो ये मान माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, बी का मान -3 है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा 9, तो ये सब संख्या प्लस की हो जाएगी और सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 19। 4 ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए,
तो 4 और 6 10 और 9 भी जुड़ेगा तो कितना हो गया 19। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो ये आकृति कहलाती है विद्यार्थियों बहुभुज। किसी संख्या के 4 × 7 अधिक 43 होता है तो वह संख्या होगी। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद ही वो आपके समझ में आएगा। तो कोई संख्या है, मानो वो संख्या x है, तो उसको 4 से गुणा करेंगे 4 गुना और 7 जोड़ देंगे, इसे 7 अधिक है यानी जोड़ना पड़ेगा, तो 43 कितना है वो संख्या, वो संख्या यहाँ पे 43 आ रहा है। यानी किसी संख्या वो संख्या x है, 4 गुना और 7 प्लस करने पर कितना आता है, 43 आता है। तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो 7 को इधर ले जाते हैं पहले, 4x बराबर 43 माइनस 7 तो कितना बचेगा, ये 36 बचेगा। x बराबर 4 को भी इधर ले जाओ, 36 यहाँ पे गुणा का संबंध है, इधर हो जाएगा भाग में, तो 4 का भाग 36 में गया 9 बार, तो वो संख्या कितनी है 9। ऐसे आपको हल करके इनकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। अगला प्रश्न देखिए, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है, तो 26,000 में से 25,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 बढ़ गई, पहले कितनी थी 25,000, इसका भाग देंगे, गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। कितनी वृद्धि हुई वो निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे 25 का भाग देंगे 150 में, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6% इसका सही आंसर है, 2 नंबर वाला, 6% वृद्धि उसमें हुई है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 3n-15 = 21 है, तो यहाँ पर n का मान हमें ज्ञात करना है, हल करना है इसको, तो 3n-45 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना है 21, मैंने यहाँ पे इसको गुणा कर दिया, खोल दिया समीकरण को, तो 3n = 21 ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 45 तो कितना हुआ 66, ये 3 को भी इधर ले जाओ, 3 यहाँ पे गुणा का है, इधर जाएगा भाग में, तो 66 में हमें 3 का भाग देना है, तो कितनी आ जाएगी संख्या 22, तो सही आंसर क्या है इसका, 4 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है, 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, व्यास दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसके इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी है त्रिज्या, त्रिज्या 7, तो 2 यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है 7, तो 2 बार लिखेंगे 7 और 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो आर कितना है, आर का मान है 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, तो 154 मीटर² इसका मान होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, 3 4 8 5 x, 3 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान क्या होगा, तो इन सभी को अंकों को जोड़ना है, कितनी संख्या है ये 6 का भाग देना है, और उसका समांतर माध्य कितना रहा 4, तो इसे लिख देंगे अपन 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3, कितनी संख्याएँ हो गई ये 6, भाग देंगे 6 का, बराबर कितना आना चाहिए 4 आ रहा है, क्योंकि समांतर माध्य 4 दे रखा है इसमें, तो इन संख्याओं को सबको जोड़ दीजिए, 3 और 4 7 और 8 15 5 20 और 3 23, तो 23 + x / 6 = 4 आ रहे हैं, तो 6 को इधर ले जाओ, यहाँ पे 6 भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो दोबारा यहाँ ले देता हूँ मैं ऊपर इनको, 23x बराबर कितना हुआ 23 + x = 4, तो थे 6 इधर पर नीचे था, उसको यहाँ पे ले गए तो गुणा में आ जाएगा। अब देखिए आगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24, तो x बराबर इस संख्या को भी इधर ले जाओ बराबर के, 24 तो वहाँ पहले थे ही, ये संख्या यहाँ पे प्लस की है तो इधर हो जाएगी माइनस की, तो 24 में से 23 घटाने तो 1 बच जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है 1। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।